सूरत मोमिन सूरत नंबर 40 और 24वां पारा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम, तंज़ीलु किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम। غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرنك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. توحيد خالص अद्दीन और खालिस के उनवान से तौहीद खालिस का जो मौजू सूरह ज़ुमर में शुरू हुआ था, अब ये तीन सूरतों में जाकर खुलेगा। पहले इंफरादी सतह पर तौहीद खालिस का क्या तकाज़ा है सूरह मोमिन में ज़ेर बहस आएगा, और फिर दो लेवल्स पर इज्तमाही सतह पर उसके तकाज़े क्या हैं वो सूरह हामीम सजदा और सूरह शूरा में तेरे बहस आएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हामीम, तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम। किताब का उतारा जाना अल्लाह अज़ीज़ुल अलीम की तरफ से है। ग़ाफ़िर ज़म्बि वक़ाबिल तौबि शदीदिल इक़ाबि ज़िल तौब। गुनाहों का बख्शने वाला, तौबा का कबूल फरमाने वाला, सजा का सख्त और मकबूल वाला, हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला। ला इलाहा इल्लाहु, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। इलैहिल मसीर, उसी की तरफ लौटना है। मा युजादिलु फी आयातिल्लाहि इल्लज़ीना कफरू, अल्लाह की आयात में तो सिर्फ काफिर ही झगड़ते हैं। फला यग़ुर्रुका तक़ल्लुबुहुम फिल बिलाद, ए नबी आपको कहीं इनकी तरफ फिरत शहरों के अंदर वो धोखे में न डाले कि ये शायद अल्लाह के फेवरेट्स हैं। अल्लामा इक़बाल की नज़्म शिकवा वो दरअसल इसी फिक्र की अक्कासी करती थी कि रहमतें तेरी अग़यार के काशानों पर बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर, कि हम तेरे बंदे हैं, तेरे नाम लेवा हैं, हमने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन तेरी सारी मेहरबानियाँ, तेरी सब इनायतें वो वहाँ पर क्यों हैं। ये एक ही चीज़ है कि जो आपको मुख्तलिफ उनवानात के तहत मिलती है। कोई शख्स यूरोप और अमेरिका का चक्कर लगा के आता है, कहता असल इस्लाम तो उतने पे आए, हर चीज़ तक खालत मिल जाते होते, जो बार देखा हुए वही अंदर उतर। ये मुख्तलिफ अंदाज है एक ही बात को बयान करने के लिए, कि दिल ये कह रहा है कि नहीं, वो है असल, वो है ठीक। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एड्रेस करते हुए उस इशू को एड्रेस किया जा रहा है कि फला यग़ुर्रुका तक़ल्लुबुहुम फिल बिलाद, तो या नबी आपको इनकी तरफ फिरत, इनका घूमना फिरना वो कहीं धोखे में न डाल दे। कब तबला हूँ कौम नूह वल अहज़ाब, इनसे पहले कौम नूह और बाद वाले ग्रोहों ने भी छुटलाया। मुहम्मद कुल्लु उम्मतिन बिरसूलिहिम लियाखुदूहु, और हर उम्मत ने, हर ग्रोह ने अपने रसूल को पकड़ने की कोशिश की। वह ज्यादा लोग बिल बातिल, और झगड़े बादल के लिए हफ्ता, ताकि वो परे हटा दें हक को। फाखस्तों तो फिर मैंने उनको पकड़ लिया, दबोच लिया, फकेश पर खाना है बाप,
फिर कैसी थी मेरी सजा। وَقَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, और यूं ठीक हो गई तेरे रब की बात काफिरों पर, अन्नहुम अस्हाबुन नार, कि वो अहले जहन्नम है। الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا, वो लोग के जो उठाए हुए हैं अर्श को, यानी वो फरिश्ते के जो अर्श को उठाते हैं, ममन हवला हूं, और वो जो उसके गिर्द तवाफ कर रहे हैं, उसके इर्द गिर्द हैं, वो अपने रब के हम की तस्बीह करते हैं और अल्लाह पर यकीन रखते हैं, भैया और अहले ईमान के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं, अल्लाह से बख्शिश मांगते हैं। क्या कहते हैं, रब्बाना वसी तकुल शय रहमत, ऐ हमारे रब तेरी रहमत हर शय पर वसी है, वसी तकुल शय रहमतम व इल्मन, कि तू हर चीज पर छाया हुआ है रहमत और इल्म के एतबार से, फ़ग़फ़िर लिल्लज़ीना ताबू, लिहाजा बख्श दे तौबा करने वालों को, वत्तबऊ सबीलका, और जो तेरे रास्ते की पैरवी करते हैं, वक़्तिहिम अज़ाबल जहीम, और उन्हें बचा ले जहन्नम के अज़ाब से, आग के अज़ाब से। रब्बना वअदख़िलहुम जन्नात अदन, और ऐ हमारे रब दाखिल कर उन्हें सदा बसने वाले बाग़ात में, अल्लज़ी वअदतहुम, जिसका तूने उनसे वादा किया है, वमन सलह मिन आबाईहिम वअज़वाजिहिम वज़ुर्रियातिहिम, और जो कोई भी उनके बापों बीवियों और औलादों में से नेक हो उसे भी उनके साथ शामिल कर, इन्ना का अंतर अजन हकीम, बेचक तू बाला दस हिम्मत वाला है, वकीम सयाद, और बचा उन्हें बुराइयों से, वमन तक सयाद योमैज़िन, और जो कोई बचा लिया गया बुराइयों से उस रोज वक्त रहित हो तो उस पर तूने रहम फरमाया, बताले का हुर फौजुल अजीम, और वो है सबसे बड़ी कामयाबी। इन लजीन कफर हो गुनाह दौना लमकुल्लाह अकबर उन्हें मकते को, और जो लोग काफिर हैं उन्हें पुकार कर कहेंगे लमकुल्लाह अकबर उन मकते को अनफुसा को, इस तो दौना इलल ईमान फतकफुरून, कि अल्लाह की बेजारी ज्यादा बड़ी थी तुम्हारी इस वक्त अपने आप की बेजारी से, जब तुम्हें ईमान की तरफ बुलाया जाता था और तुम इनकार करते थे। कालू रब्बाना अमरता नसना दई नहीं आहियता नसना दई नहीं, वो कहेंगे ऐ हमारे रब तूने हमें दो मरतबा मौत दी और दो ही मरतबा तूने हमें फिर जिंदा किया, फातरफना पे दोनों बिना, तो हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, बाहर इला खुरूजी मिन सबील, तो कोई है निकलने की राह, ज़ालिकुम बिअन्नहु इज़ा दुरिया अल्लाहु वहदहु तफर्तुम, कहा जाएगा ये तुम पर इसलिए आ रहा है अज़ाब कि जब तुम्हें अल्लाह ताला की इबादत की तरफ बुलाया जाता था कफर्तुम, तो तुम इनकार करते थे, वही इशरक भी तुमिनु, और अगर अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाया जाता था तो तुम मान लेते थे, फल हुक्मु लिल्लाहिल अलीयिल कबीर, अब तो हुक्म वही करेगा जो सबसे बुलंद और सबसे बड़ा है, यूनिकुम आयाती वही तरह जो तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है, और तुम्हें आसमान में से जो तुम्हारे लिए आसमान से रिस्क नाजिल फरमाता है, और नसीहत तो वही हासिल करता है जो अल्लाह की तरफ रजू करे, फदउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, बस अल्लाह को पुकारो, अभी वो आ गया ना वही उन्मान दीन को खालिज करते हुए, फदउल्लाह बस अल्लाह को पुकारो मुखलिसीन लहुद्दीन, दीन को उसी के लिए खालिज करते हुए, काफिरों को नागवार, यानी इंफरादी सतह पर बहुत से करने के आमाल हैं, अल्लाह की तस्बीह है, हम है, नमाज है, रोजा है, ये सब क्या है, इंफरादी आमाल है, लेकिन इनकी असर रूह जो है वो क्या है, अल्लाह को पुकार, यानी और पुकारना जो है दुआ, इसकी हकीकत क्या है, अल्लामा इकबाल ने अपने लेक्चर में इसको उन्वान दिया है, रियलिटी ऑफ प्रेयर क्या है, फ्लाइट ऑफ एन अलोन टू बी अलोन, यानी एक इंसान का ये अना है स्मॉल ईगो, और
जब ये स्मॉल ईगो जो है अल्लाह ताला के साथ बिग ईगो के साथ एब्सोल्यूट ईगो के साथ अनाय सगीर अनाय कबीर से रब्ते पे आ जाए तो फिर इंफरादी सतह पर अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक जो है मुकम्मल। तो ये सारा जो हमारा तसव्वुफ का सिलसिला है वो असल में वो इसी चीज को लेकर जो है प्रमोट करता है अल्लाह के बंदे को अल्लाह के साथ जोड़ना। इसी के सारे तकाजे हैं, अल्लाह की याद किसी का तकाजा, अल्लाह से डरना किसी का तकाजा, अल्लाह ताला से मोहब्बत करना किसी का तकाजा है। और उन सब के ऊपर जो उसका फल है वो क्या है कि इंसान अल्लाह ताला को पुकारने का भी चस्का अगर पड़ जाए, ये ऐसा चस्का है कि फिर दुनिया जहान की दौलत जो है उसके सामने कोई नहीं। तो सदऊ फदुल्लाह, बस अल्लाह को पुकारो मुखलिसीन, दीन को उसी के लिए खालिस करते हो। अब ये जो इसके साथ जोड़ा गया इन दोनों चीज़ों को, ये है आमतौर पर वो चीज़ जो ना गया, यानी किसी को अगर अल्लाह ताला के साथ पुकारने का जस्का पड़ जाता है तो वो समझता है कि बस सिर्फ पुकारना ही पुकारना है, बाकी मेरी जिंदगी के इसके साथ कोई इजाजत नहीं। शर्त क्या है? अल्लाह को पुकारो दीन को उसी के लिए खालिस करते हुए, और दीन में इंसान की इंसानियत भी आती है, इंसान की इज्तिमाईयत भी आती है कि इंसान नमाज भी उसी के लिए पढ़े, रोज़ा भी उसी के लिए रखे, हज भी उसी के लिए करे, जिक्र और तस्बीह भी उसी के लिए करे, डरे भी उसी से और काम भी उसी के लिए करे, वफादार भी उसी का हो। ये सारे क्या हैं? उसके तकाजे हैं। वो जो रोजे वाली आयात के अंदर कहा गया था ना कि जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो आप बताइए कि मैं गौर करीब, मैं पुकारने वाले की पुकार को, दुआ करने वाले की दुआ को सुनता हूँ, लेकिन उन्हें भी चाहिए कि वो मेरी माने, बलियों में डूबी और मुझ पर यकीन रखें, लाला उनके सुदूर ताकि राह याद सके। तो फलूदा अल्लाह को पुकारो मुखलिसीन लहुद्दीन, दीन को उसी के लिए खालिश करते हुए, बलव करके काफिरों था काफिरों को इतना ही नागवार हो। रफीउ दरजात अर्श, वही है ऊंचे दर्जों वाला अर्श का मालिक, बिल्कुल रूह में अपने ही अला मे शाह में बाद ही, और वो उतारता है रूह को। अब रूह जो है ये बड़ा जामे लफ्ज है, अगर जिब्राइल अलैहिस्सलाम को और फरिश्तों को भी रूह कहा गया है, इंसान की भी रूह है, फिर मोजज़ात को भी रूह से ताबीर किया गया है, पुराने मजीद को भी रूह से ताबीर किया गया है, पूरा शुरा इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। उसके आखिर में फरमाया गया वकदालिका औतैना इलैका रूहम मिन अम्रिना, और यूँ हमने आपके तरफ वही किया अपने अमल में से रूह को, पुराने मजीद को उसे भी रूह कहा गया है। तो युद्ध रूह हमें नम्र ही अलामत रखा हो, इरकार करता है उतारता है रूह को अपने अमल में से जिस पर चाहे, मैंने बात ही अपने बंदों में से ताकि वो खबरदार करे मुलाकात के दिन से, यौम हम बारिजूना, जिस दिन वो लोग निकल खड़े होंगे, ला यफ़ा अल्लाह मिन्हुम शय्युन, और अल्लाह से कोई चीज़ उनकी पोशीदा नहीं होगी। लिमन अल-मुल्कु अल-यौम, पुकारा जाएगा आज भला किसकी बादशाही है, लिल्लाहि वाहिदुल क़हार। फिर नहीं, वैसे तो आज भी अल्लाह ही की बादशाही है, इस दुनिया की जिंदगी में भी असल बादशाही ओवरऑल तो अल्लाह ही की है, लेकिन आज जहां उसके मानने वाले हैं वहां उसका इंतजार करने वाले, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह की बादशाही जो है वो जाहिर और बाहिर होगी, एविडेंट होगी, मैनिफेस्ट होगी, क्लियर होगी, यानी कोई उसका इंकार कर ही नहीं सकेगा। लिहाजा यानी ये कहकर लिमन अल-मुल्कु अल-यौम, ये नहीं कहा कौन कहेगा, यानी उस दिन तो ये चीज बड़ी ऑब्वियस होगी, बड़ी क्लियर होगी, बहुत वाज़े होगी, किसी को कोई शक व शुबा ही नहीं होगा। आज बादशाही है अल्लाह वाले को पता है, अल्लाह को तुझा पूर्ण नफ्स में मां का सबक, आज हर शख्स को उसकी हद तमाम कमाई का पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा, ला जुल्म अल-यौम, आज कोई ज्यादती नहीं होगी, इन अल्लाह सरीउल हिसाब, बेशक अल्लाह ताला जल्द हिसाब चुकाने वाला है। अब ये जो आयत है ये उसी लिमन अल-मुल्कु अल-यौम की आगे शरह है कि बादशाह पर हुकूमत के तकाजे क्या हैं, कि हर शहरी को उसका हक मिले, किसी पर कोई ज्यादती ना हो। तो
वैसे तो इस आज भी अल्लाह की बादशाही है, तो क़यामत के दिन आज की बादशाही जो है वो जाहिर हो रही होगी, और जिस किसी ने भी कोई ज्यादती की होगी उसको सजा मिलेगी, और जिस किसी की भी हद तक भी होगी उसको कंपनसेट किया जाएगा। लेकिन उस दिन यह चीज जो है वो इतनी जाहिर पाए होगी कि हर शख्स उसको तस्लीम करेगा। अल्योमा आज तुझा गुरु नफ्स ने कही अल्लाह ताला की तरफ से आज ही बताया जा रहा है, आज से मुराद नहीं, आज क्योंकि ये चीज बयान हो रही है तो उस दिन मुराद है इससे, तो उस दिन बता दिया जाएगा हर शख्स को उसकी कमाई का, लाजुलम अल्योम किसी पर उस दिन कोई ज्यादती नहीं होगी, अल्लाह ताला जल्द हिसाब चुकाने वाला है। यानी जस्टिस अगर डिले हो जाए तो वो भी जुल्म होता है। हमारे यहाँ जो सिविल अदालतों के अंदर 30-30, 40-40 साल 50-50 साल की इज्जत है, और जिसका जो काबिल होता है वो तो मजे कर रहा होता है, और जो असल हकदार होता है वो बेचारा सिर्फ तारीख ही भूलता होता है। तो हिसाब किताब में और जस्टिस में डिले होना जो है वो भी तो जुल्म है। तो ला जुल्म अल्यौम आज किसी पर ज्यादती नहीं होगी, इन्नल्लाह सरीउ हिसाब अल्लाह ताला जल्द हिसाब चुकाने वाला है। वह अंजर हूँ योमल आजिफत इजिल कुलूब नजर अनाजिर काजिमीन, और खबरदार करें नजदीक आने वाले दिन से जिस दिन दिल गलों तक पहुंच जाएंगे काजिमीन, और वो दबा रहे होंगे। माल ज़ालिमीन मिन हमीमिन, अभी एक ही हकीकत है जिसको मुख्तलिफ अल्फाज में बयान किया जाता है कि जाने गले में आकर फंस रही होंगी या दिल गले में आकर फंस रहे होंगे, यानी वो जो मौत की कैफियत है कि इंसान का सांस जो है वो घुट रहा है, ऐसे जैसे गले को किसी ने पकड़ लिया है और इंसान जो है उसको सांस भी नहीं आ रही, उस कैफियत का बयान है। और ظالموں کا نہ تو کوئی گرم جوش دوست ہوگا، امین گرم اور کھولتے ہوئے پانی کو بھی ڈال گیا، اور دوست کو بھی، یعنی وہ دوست کی جس میں گرم جوشی ہو، بلا شفیع اور شفیع یطاع، اور نہ کوئی ایسا سفارشی ہوگا جس کی بات مانی جائے۔ یعلم خائنۃ العیون ما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ تو آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے اور دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ واللہ یقضی بالحق، اور اللہ تعالیٰ عدل کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا۔ والذین یدعون من دونہ، اور جنہیں یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، لا یقضون بشیء، وہ کوئی فیصلہ نہیں کرتے، ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں نہیں گھومے؟ وَيَنْظُرُوا کے دیکھتے، کیف بنا عاقبت الذین کانوا من قبلہم، کہ ان سے پہلے پہلوں کا کیا انجام ہوا؟ کانوا ہم اشد منہم قوة وآثارا فی الارض، وہ ان سے زیادہ زور آور بھی تھے اور انہوں نے ان سے زیادہ بڑے بڑے نشانات چھوڑے۔ یہ اعراب مصر کس کے ہیں؟ فرعون کے ہیں، اور فرعون کا انجام کیا ہوا؟ تو میری ان کے وہ اتنے اتنے بڑے جو اہرام مصر ہیں وہ خبر نشانات ہیں ان کی عظمت و سبقت کے، لیکن یہ ساری عظمت و سبقت ان کے کسی کام آئی؟ تو ہم اشد منہم، کانو ہم اشد منہم قوتا و آثارا فی الارض فاخذهم اللہ بذنوبهم، پھر بھی اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ وما کان لہم من اللہ من باق، اور کوئی انہیں اللہ سے بچانے والا نہیں۔ ذلك بانهم كانت تاتيهم رسلهم بالبينات، یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کی طرف بھیجے ہوئے پیغمبر آئے تھے کھلی نشانیاں لے کر، فکفروا، لیکن انہوں نے انکار کیا، فاخذهم اللہ، تو اللہ نے ان کو پکڑا، انه قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالی طاقتور اور عذاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا وسلطان مبین، اور ہم نے بھیجا موسیٰ کو واضح نشانی دے کر، کہاں بھیجا؟ ادھر بھیجا، الی فرعون و حامان و قارون فقالوا ساحر کذاب، فرعون حامان اور قارون کی طرف، تو کہنے لگے کہ یہ جھوٹا جادوگر ہے معاذ اللہ۔ فلما جاؤں بالحق،
फिर जब वो उनके पास हक बात लाए मिन इंदिना हमारे पास से कालू कुलो अबना लजीन आमनु माहू, तो वो कहने लगे कि ईमान वालों के बेटों को नौजवानों को कत्ल करो जो इसके साथ ईमान लाए हैं, वस्ता भी निसाह हूँ और उनकी औरतों को जिंदा छोड़ो। वमा कैदुल काफिरीन इल्ला फी ज़लाल, और काफिरों के दाव राह राह रहने वाले संत की ज़लाल में तोड़ चढ़ने वाले नहीं सकते। बाब मोहम्मद अजमा इसका जो होगा ज़लाल, वैसे कहते हैं गुमराही को, गुमराही होती क्या है, यानी एक शख्स उसकी मंजिल मकसूद जो है वो तो से है कुरान अकेडमी, लेकिन जब तक वो कुरान अकेडमी नहीं पहुंचता कभी इधर कभी उधर जा रहा है भूल भुलैया में, तो क्या है वो ज़लाल में है गुमराही में है। लेकिन यहाँ वो तर्जमा नहीं होगा, यहाँ तर्जमा क्या होगा कि उनके दाव जो है वो टिकाने लगने वाले मंजिल मुराद तक पहुंचने वाले नहीं थे। वकाला फिरौन, फिरौन कहने लगा जरूरी अब्दुल मूसा कि छोड़ो मुझे कि मैं मूसा को कत्ल कर दूं। वलियदु रब्बहु, फिर बुला ले वो अपने रब। अब याद कीजिए कि सूरह आराफ में फिरौन के दरबारियों ने फिरौन से कहा था कि बादशाह सलामत अतदरु मुततदरु मूसा व कौमहु लियुफसिदु फिल अर्द व यदरका व आलिहतक, कि बादशाह सलामत क्या आप मूसा और उसकी कौम को पूरी छूट दिए रखेंगे कि वो जमीन में फसाद फैलाए। अब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से फसाद क्या है, आजादी, यानी किसी मुल्क का कोई सूबा आजादी का नारा लगाए तो उसके जो बाकी सूबे हैं जो बाकी लोग हैं वो क्या करार देते हैं, उसको फसाद करार देते हैं ना। अब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बनी इसराइल का आजादी का नारा जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लगाया था वो क्या था, वो फसाद फैला। तो क्या आप मूसा और उसकी कौम को खुली छूट दिए रखेंगे कि वो जमीन में फसाद फैलाए और यदर कवाले तक और आपको और आपके खुदाओं को नजरअंदाज कर दे। वहां उसने ये कहा था जो यहां से बहस आ रहा है, तो मसला ही कोई नहीं, यानी जब नई नई हुकूमत आती है तो वजीर आजम साहब हमारे जो हैं हमारे हो या कोई और हो तो बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, उनके बाद वजरा जो हैं वो मशवरे देते भी रहते हैं कि लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है बहुत उतर रहे हैं जरा काम करिए ना, नहीं नहीं बंदोबस्त कर लो। अब बंदोबस्त क्या होता है, बंदोबस्त होता है कि अपोजिशन के जो तीसरी और चौथी सफ की जो लीडरशिप है उनके बंदे में होना शुरू कर, उससे क्या होगा वो पार्टी जो है वो डीमोलराइज होगी, और अगर तो बड़ी लीडरशिप हो सिर्फ गिरफ्तार ही करने कुछ ना करें तो उससे क्या होता है वो उनकी रेपुटेशन खराब होती है, अगर आजादी राय पर पता नहीं लग रही है और ये हो रहा है वो हो रहा है। तो उस्तादी क्या होती है, इसमें उस्तादी ये होती है कि बड़ों को कुछ ना कहो, बदनामी ना लो, और जो नीचे वाले हैं उनको पसंद करो। लेकिन फिर एक वक्त आता है कि जब वजीर आजम साहब खुद कैबिनेट से मशवरा करते हैं कि ख्याल है आप पाइए ना लीडर ऑफ द अपोजिशन, उस वक्त तक उनके अपने कुछ वजरा जो है वो लुढ़क चुके होते हैं दूसरी तरफ। यहां क्या हुआ कि पहले फिरौन बड़ा कॉन्फिडेंट था, यानी उनके उसके दरबारियों ने मशवरा दिया भी तो माना नहीं और उसने वो दूसरा चक्कर चलाया। अब जब ये तहरीक जो है इसके बावजूद जोर पकड़ गई, अब वो मशवरा कर रहा है कि ख्याल है मूसा को पसंद करना नहीं, और फिर ये बुला ले अपने रब को। आज भी आप देखते हैं कि ये 9/11 के बाद जब मुसलमानों पर तशद्दुद शुरू हुआ है और कई जगहों पर जब पुलिस जो है वो पकड़ती है किसी मुसलमान को और फिर कहती है नाउ कॉल अल्लाह, अल्लाह ने कह सकते नाउ कॉल अल्लाह, इन्हें अपने अल्लाह को बुलाओ काउंटिंग अंदाज में, तो उसी तरह का फिरौन ने भी फल यदो वल यदो रब्बहु, और फिर वो बोला बुला ले अपने रब को इन्नी अखाफ, और ये बादशाह और ये जो हुक्मरान होते हैं इनको असल में कौन का दर्द खाया जा रहा है, अपना इन बेचारों में कोई इंटरेस्ट नहीं होती, इन्नी अखाफ हो ये बदल दीन को, मुझे खतरा है कि ये तुम्हारे दीन को बदल के रख देगा, और अयुज़िला फिल अर्द फसाद या जमीन में फसाद बर्पा करेगा। वकाला मूसा, और उसके जवाब में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अपनी डिटरमिनेशन का इजहार किया इन्नी उस्तु बिरब्बी व रब्बिकुम मिन कुल्ली मुतकब्बिर ला यूमिनु बियौमिल हिसाब, मैं तो
अपने और तुम्हारे रब की पनाह में आता हूँ हर मुतकब्बिर शख्स से जो हिसाब के दिन को नहीं मानता। अब क्या हुआ, फिरौन के अपने दरबारियों में से उसके अपने खानदान में से एक दरबारी जो थे वो खड़े हो गए मोमिन आले फिरौन। और पुराने मजीद में जितने भी तकारीर नकल हुई हैं सबसे लंबा खुतबा जो है वो मोमिन आले फिरौन का पुराने मजीद में आया है सूरह मोमिन के अंदर, इसी पर इस सूरत का नाम सूरह मोमिन है। वो काल रजुल मोमिन मिन आले फिरौन और कहने लगा एक मोमिन शख्स आले फिरौन ही में से जब तुम वो ईमान हो के जो अपने ईमान को अब तक छुपाए हुए था अब तक को ना रजुलन अन यकूल रब्बी अल्लाह है। तुम क्या इस शख्स को सिर्फ इसलिए कत्ल करना चाहते हो वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है हालांकि तुम्हारे पास मेरे रब को तुम्हारे रब की जानिब से खुली निशानियां लाया है भाई और अगर वो झूठा है तो उसके झूठ का वबाल उसी पर आने दो भाई जब सादिक लेकिन गौर तो करो अगर वो सच्चा हुआ यूसुफ को बात लगी जाए तो तुम पर आएगी वो मुसीबत जिसका वो तुम्हें वादा दे रहा है मन किसी भी बेदहाल और झूठे को राजयाब नहीं किया करता। या मेरे आज तुम्हारा राज है तुम्हारी हुकूमत है और तुम जमीन में चढ़ रहे हो गलबा पाए हुए हो सुनो नाम जाना और अगर अल्लाह का आदाब आ गया तो फिर हमें कौन छुड़ाएगा। कारा फिरौन अब फिरौन जब जाकी तरह बैठ गया कारा फिरौन मा उरीकुम इल्ला मारा व मा अहदीकुम इल्ला सबीला रशाद। नहीं नहीं मैंने तो जो हिदायत की बात थी अकल की बात थी वो तुम्हें बताई थी जो मैंने देखा था जो मुझे समझ में आया था मैंने वो आपके सामने रख दिया था और मैं तो तुम्हें भलाई का रास्ता दिखा रहा था। लेकिन ये मोमिन आले फिरौन अपना तकरीर जारी रखे हुए है वकाल लजी आमना और कहने लगे वो साहिब ईमान या कौमी है मेरी कौम इन्नी अखाफ अलैकुम मिस्ल यौम अहज़ाब मुझे तुम्हारे बारे में अगले ग्रोहों का सा अंजाम जो है उसका खतरा है मिस्ल दाब कौम नूह व आद व समूद जैसा हाल हुआ कौम नूह कौम आद और कौम समूद का वल्लज़ीन मिन बादिहिम और उनके बाद वालों का वल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल इबाद और अल्लाह बंदों के साथ ज़्यादती नहीं किया करता। मुझे तो तुम्हारे बारे में डर है उस दिन का जब हांक पुकार होगी जब हांका जाएगा और जहन्नम की तरफ तुम्हें यौम तुवल्लून मुदबिरीन जिसे तुम पेट फेर कर भागोगे मारा तुम्हें अल्लाह है मिन आसिम और कोई तुम्हें अल्लाह के अज़ाब से बचाने वाला नहीं होगा। और जिसकी गुमराही पर अल्लाह ताला गुमराह तस्दीक सब कर दे कोई उसको रास्ता दिखाने वाला नहीं है। यूसुफ मिन कब्ल मिन बय्यिनाति और तुम में इससे पहले यूसुफ आ चुके हैं खुली निशानियां लेकर फमा ज़िल्तुम फी शक मिम्मा जाअकुम बिही और फिर उस वक्त भी तुम शक में रहे उन बातों में जो तुम्हारे पास लेके आए थे हत्ता इज़ा हलका यहाँ तक के जब वो फौत हो गए कुल्तुम नय्यब सल्लल्लाहु मिन बादी रसूला तो तुमने कहा कि इसके बाद कोई रसूल हमारे पास नहीं आएगा। कज़ालिक युदल्लाहु मन हुवा मुसरिफुन मुर्ताब यूं अल्लाह ताला गुमराह करता है हर बेबाक को हद से बढ़ने वालों को और शक में पड़ने वालों को। अल्लज़ीना युजादिलूना फी आयातिल्लाहि जो अल्लाह की आयात में झगड़ते हैं बग़ैर सुल्तानिन अताहुम बग़ैर किसी दलील के जो उनके पास आई हो कबुर मक़तन इंदल्लाहि बड़ी बेजारी की बात है अल्लाह के यहाँ बैदल्लज़ीना आमनू और ईमान वालों के यहाँ कज़ालिक यतबउल्लाहु अला कुल्ली क़ल्बी मुतकब्बिरिन जब्बार यूं अल्लाह ताला हर गुरूर करने वाले और सरकश के दिल को सील कर दिया करता है। वक़ाला फिरौन फिरौन कहने लगा या हमान ए हमान ये उसका वज़ीर आज़म था इब्ने लिए सरहन रब बनाना मेरे लिए एक ऊंचा महल लाली अबलुल असबाब ताकि मैं आसमान के रास्तों तक पहुंचूं असबाब समावाद आसमान के रास्तों तक सब तलिया इला इलाही मूसा और फिर मैं झांक कर देखूं मूसा के खुदा को कोई नहीं लाजुनू कादिबा और मेरा ख्याल है नहीं पूरी कहता ये ड्रामे नहीं ऐसा अंदाज देना कि नहीं नहीं कोई नहीं बड़ा ही देख रहा होते होना कितने आगे कतल प्राण की
کزالی کا زمین علی فرعون سوء عملی تھی, جوں وہ کشش بنا دیے گئے فرعون کے لیے اس کے برے اعمال, وسد عن السبیل, اور یوں اسے صراط مستقیم سے فرانے سے روک دیا گیا. وما قید فرعون الا فی تباب, اور فرعون کی چال تو تباہی کی طرف لے جانے والی تھی. وقال الذی آمن, مومن علی فرعون کی تقریر جاری ہے, یعنی بیچ میں وہ کاٹتا بھی ہے فرعون اور مار کو ادھر ادھر لڑنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن مومن علی فرعون جو ہے وہ اپنی بات جاری رکھے ہوئے. وقال الذی آمن, اور صاحب ایمان کہنے لگے, یا قوم اتبعونی احدکم سبیل الرشاد, میری قوم, اے میری قوم میرے پیچھے لگو, میں تمہیں نیکی کی راہ, ہدایت کی راہ بتاؤں گا. یا قوم انما هذه الحیات الدنیا, اب یہ ہدایت کی بات بتا رہے ہیں, اے میری قوم یقینا یہ دنیاوی زندگی متاع بتنے کا ایک سامان ہے, وہی الاخرت ہے دار القرار, اور وہ آخرت کا گھر جو ہے وہ جم کر رہنے کا گھر ہے. من عمل سیئتا فلا یجزا الا مثلها, اور جو کوئی برائی کرے گا وہ اسی کا بدلہ پائے گا. ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن, ہاں جو کوئی اچھا عمل کرے گا ہم مرد ہو یا عورت, بشرطے کہ وہ صاحب ایمان ہو, فاولئک یدخلون الجنۃ, تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے. یرزقون فیہا بغیر حساب, اور اس میں بے حد و حساب اجر پائیں گے, رزق پائیں گے. سوری, تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے, انہیں پرووائڈ کیا جائے گا اس میں بغیر حساب, بے حد و حساب. ایک ہوتا ہے راشن کے انداز میں کوئی چیز پرووائڈ کرنا, یعنی آج کل جو یہ ہوٹلنگ کے بزنس میں اور ریسٹورینٹ کے بزنس میں ایک کیا ہے, وہ سالن کی پلیٹ اتنے کی اور روٹی اتنے کی, ایک کیا ہے بوفے کا تصور, وہ کیا ہے کہ جتنا مرضی کھاؤ. تو اب وہ کیا ہے اہل جنت کے لیے, وہ یعنی ناپ ناپ کے اور تول تول کے حساب کتاب سے نہیں لگے گا, تو روٹی کھا لے ایک بار بس بیٹھا رہو, بوفے ہے جتنا مرضی کھاؤ. یہ سب انہیں پرووائڈ کیا جائے گا فیہا, اس میں بغیر حساب, بے حد و حساب. بھیا قوم اور اے میری قوم, مالی ادوکم الى النجات, اور مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں, وتدعونی الى النار, جبکہ تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو. تدعونی لی اکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم, تم مجھے بلاتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک بناؤں جس کے لیے میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. وانا ادعوكم الى العزيز الغفار, جبکہ میں تمہیں بالا دست اور بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں. لا جرم انما تدعونني الیہ ليس له دعوت فی الدنیا, حقیقت یہ ہے کہ بے شک تم مجھے بلاتے ہو اس کا بلاوا ليس له دعوت فی الدنیا, جس کا دنیا میں جس کا نہ کچھ ہے دنیا میں بلا فی الاخرہ, اور نہ ہی آخرت میں. وَأَنَّا مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ, اور ہم سب کا لوٹ جانا اللہ کی طرف ہے. وَأَنَّا الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ, اور زیادتی کرنے والے حد سے بڑھنے والے تو اہل جہنم ہیں. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ, انقریب تم یاد کرو گے جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, اور میں اپنی بات اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں. إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ, بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھتا ہے. تو بچا لیا اللہ نے اس کو ان چالوں سے جو وہ چل رہے تھے, اور الٹ پڑا فرعون والوں پر اللہ کا وہ سوء عذاب, برا عذاب. النار یورضون علیہا غدوا وعشیا, وہ آگ ہے کہ وہ اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں صبح اور شام. یوم تقوم الساعۃ, اور جس دن قیامت قائم ہوگی ان سے کہا جائے گا, ادخلوا آل فرعون, اے آل فرعون داخل ہو جاؤ اس میں, داخل ہو جاؤ اشد العذاب,
سخت عذاب میں وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، پھر جب وہ جھگڑیں گے آگ میں آپس میں جہنم کے اندر جھگڑیں گے، فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، اور کمزور متکبروں سے کہیں گے، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، کہ ہم تو تمہارے پیروں کاٹتے، فَلَنْتُمْ مُغْنُونَ اَنَّا نَصِيبَ مِنَ النَّارِ، تو کیا تم ہم پر سے اٹھا لو گے آگ کا کچھ حصہ؟ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اِنَّا كُنَّا فِيهَا، جب تم متکبر جواب میں کہیں گے ہم سب اس میں پڑے ہوئے ہیں، ان اللہ قد حکم بین العباد، بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ فرما چکا ہے، وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم، اور اہل جہنم جہنم کے داروغوں سے کہیں گے خدو ربکم، فتعرض ذرا اپنے رب کو ریکویسٹ کرو ذرا اپنے رب کو، یخفف عنا یوم من العذاب، جہنم کے عذاب سے ہمیں ایک دن کی ہی ریلیف دے دے، قالوا وہ کہیں گے اولم تکو تاتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر یہ تمہاری طرف بھیجے ہوئے اللہ کے رسول کوئی نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ قالوا بلا، یس آئے تو تھے، قالوا فدو، تو پھر پکارو، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، یعنی ہم تو نہیں یہ ریکویسٹ کر سکتے، اب تم پکار مت کرو تو پکارو، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی پکار جو ہے وہ راہ اتنے ہی میں رہ جائے گی، وہ منزل تک نہیں پہنچے گی، اِنَّا لَنْحَنْسُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، لازماً ہم مدد کریں گے اپنے پیغمبروں کی اور ایمان والوں کی دنیاوی زندگی میں بھی، اور اس دن جس دن گواہیاں لائی جائیں گی، يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ، جس دن فائدہ نہ دے گی ظالموں کو ان کی معذرتیں، ان کی ایکسکیوزز، ولہم لعنۃ، اور ان کے لیے پھٹکار ہے، ان پر پھٹکار ہے، ولہم سوء الدار، اور ان کے لیے بہت برا گھر ہے، ولقد آتینا موسیٰ موسیٰ الہدا، اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی، وأورثنا بنی اسرائیل الکتاب، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا، یعنی تورات کا، خداوند و ذکر علیہ اولی الالباب، جو ہدایت اور نصیحت تھی سمجھ والوں کے لیے، سمجھ بوجھ والوں کے لیے، فَصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اے نبی استقامت دکھائیے، ڈٹے رہیے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، بس بخشش مانگ اللہ سے اپنے گناہ کی، وَاسْتَغْفِرْ لِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی حمد کی تسبیح کرتا رہے، بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح اور شام، ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم، بے شک وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی نشانیوں میں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، ان فی صدورهم الا کبر، حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں غرور اور تکبر ہے، ما هم ببالغیہ، کبھی نہ پہنچیں گے اس تک، فاستعذ بالله، پس اللہ کی پناہ مانگ، انه هو السميع البصير، بے شک وہ سب کچھ سننے والا، سب کو جاننے والا ہے، سب کو دیکھنے والا ہے، لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا بڑا کام ہے انسانوں کے پیدا کرنے سے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر تو نہیں جانتے، اب یہاں پیدا کرنے سے مراد یہ ہے وہ دوبارہ پیدا کرنا ہے، لیکن اس کا وہ انکار کرتے ہیں کہ یہ اللہ نے یہ آسمان اور زمین، یہ اتنی بڑی کائنات بنا دی، کیا مشکل ہے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا، وَمَنْغَسْتَوِ الْعَمَا وَالْبَصِيرِ، اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَتُنْسِيُوا، اور اسی طرح ایمان اور لانے والے، اچھے عمل کرنے والے اور بدکار برابر نہیں، قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ، بہت کم تم سمجھتے ہو، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو، کسی کو کہا گیا نا سورہ قلم میں، افا نجر المسلمین کل مجرمین، مالک کئی بتا ہوں، کیا ہم فرما برداروں کو اور مجرموں کو برابر کرتے ہیں؟ تم کرنا نہیں کرتے ہو، مالک ہو کیا ہو گیا تمہیں، کیسی باتیں کرتے ہو، کیسے آپ حکم لگاتے ہو، ان ساعت الآتیۃ لا ریب فیہا، بے شک قیامت تو آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، پھر وہی
तो आपकी बात फिर आ गई और तेरे रब ने फरमाया है उदूनी मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार को सुनूंगा, उसको रेस्पॉन्ड करूंगा। इतने लोगों ने यस्तकबिर उन्होंने इबादत की और वो लोग कि जो मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं, अब यहाँ इबादत से मुराद वही दुआ है कि हेजिटेट करते हैं मुझे पुकारने। यानी अल्लाह ताला को पुकारना, अल्लाह ताला से मांगना, इससे तकब्बुर करते हैं, यानी अपनी शान से झोंककर समझते हैं अल्लाह से मांगना उनका दिल हो रहा है। सैयद खुलूना जहन्नम ताकिरीन, वो जलील होकर जहन्नम में दाखिल होंगे। अल्लाह अल्लज़ी जअला लकुम लैला लितस्कुनु फीह, अल्लाह वो है कि जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम उसमें आराम करो, वल नहार मुबसिरा और दिन को रोशन बना दिया। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला तो लोगों पर बड़ी इनायत करने वाला है लेकिन अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। ये है अल्लाह तुम्हारा रब हर चीज का पैदा करने वाला, ला इलाहा इल्ला हु, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। फाना तो फकून, फिर तुम कहाँ फिर जाते हो। कज़ालिका युफकुन लज़ीना कानू बिआयातिल्लाहि यजहदून, इसी तरह फिर जाते हैं वो लोग कि जो अल्लाह की आयात के मुनकिर होते रहते हैं। अल्लाह अल्लज़ी जअला लकुम अल-अर्ज़ क़रारन, अल्लाह वो है जिसने ज़मीन को बनाया करार करने के लिए, ठहरने की जगह, वस्समा बिनान, और आसमान को बनाया छत, वसव्वरकुम, और तुम्हारी सूरतें बनाई, तो असना सवरकुम, फिर क्या ही अच्छी सूरतें बनाई, वरज़क़कुम मिन अत्तय्यिबातिन, और तुम्हें पाक चीज़ों में से रिज़्क अता फरमाया। ज़ालिकुम अल्लाहु रब्बुकुम, ये अल्लाह तुम्हारा रब है। तबारक अल्लाह रब्बुल आलमीन, तो क्या ही बरकत वाला है अल्लाह तमाम जहानों का रब। हुवल हय्यु ला इलाहा इल्ला हु, वो जिंदा है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। फदऊ मुखलिसीन लहु दीन, बस उसको पुकारो दीन को उसी के लिए खालिस करते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। कुल इन्नी नुहीतु अन आबुद अल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, कहो मुझे मना कर दिया गया है कि मैं इबादत करूँ उनकी जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो। लम्मा जानी जानी और बीना तो मैं रबी, जबकि पहुँच चुकी हैं मेरे पास मेरे रब की जानब से खुली निशानियाँ। वह उम्मीद तो अनुसलिमा रब्बिल आलमीन, और मुझे हुक्म मिला है कि मैं फरमा बरदार हो जाऊँ रब्बुल आलमीन का। तो अल्लाह खरक को मैं तुराब बही का जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, सुमा में नुस्फत फिर एक खून से, सुमा में अला का दिन फिर जमे हुए खून से, सुमा युखे जो खून तिफला फिर वो तुम्हें निकालता है एक लड़के की हैसियत से, बच्चे की हैसियत से। सुमर तब हूँ अशुद्धा को ताकि तुम अपनी पुख्तगी को पहुँचो, सुमर तुम उसकी रूखन फिर बूढ़े हो जाओ, तुम्हें को मई तो वफा में कब लो और तुम में से कुछ उससे पहले ही ले लिए जाते हैं। भले तब लो अजल मुसम्मा, और जब तक के पहुँचो तुम उस तय किए हुए वक्त तक, भले अलग ताकिलो और ताकि तुम सेंस हासिल करो। हुआ योगी वही तू वही तरह जो जिंदगी अदा फरमाता और मौत से दो चार करता है। फैजा फजा अमरन, फिर जब वो किसी बात का हुक्म देता है, फन्नमा यकूल लहुकुम फयकून, फन्नमा यकूल लहुकुम फयकून, तो कहता है उससे सिर्फ वजा एंड देयर इज वजा का। अलम तरा इलल लजीन युजादिलून फी आयातिल्लाह, क्या तुमने देखा उन लोगों को जो अल्लाह की आयात में झगड़ते हैं। अन्ना युसरफून, वो कहाँ मिल जाते हैं। अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिल्किताबी, वो लोग के जो किताब को झुठलाते हैं। वबिमा अरसलना बिही रुसुलना, और वो जो कुछ हमने देकर अपने रसूलों को भेजा है उनका इनकार करते हैं। फसौफ़ यअलमूना इज़िल अग़लालु फ़ी आनाक़िहिम वसलासिलु, वो अनकरीब जान लेंगे जब उनके गलों उनके गर्दनों में तौब और जंजीरें होंगी। युसहबूना फ़ी हमीमिन, खौलते हुए पानी में घसीटे जाएंगे। सुम्मा फ़िल नारि ज़रूर, और फिर आग में झोंक दिए जाएंगे। सुम्मा फ़ी ग़ल्लाहुम, फिर उनसे कहा जाएगा अल्लाह को ऐना माँ तुम तुश्रिकूना मिन दूनिल्लाह, कहाँ है वो जिनको तुम अल्लाह को छोड़कर शरीक करार देते थे। अल्लाह के कालो दलो अल्लाह बल, वो कहेंगे ओहो वो तो हमसे चूक गए, हमसे गुम हो गए। बल लम तकुन नदू मिन क़ब्लु शैया, हकीकत यह है कि हम इससे पहले किसी को पुकारते ही नहीं थे। कज़ालिक युज़िलुल्लाहु अल-काफ़िरीन, यूँ अल्लाह ताला भटकाएगा काफिरों को। ज़ालिकुम बिमा कुंतुम तफ़रहून फ़िल अर्ज़ बिग़ैरिल हक़्क़ि वबिमा कुंतुम तफ़रहून, ये बदला है उसका
جو تم اتریا کرتے تھے زمین میں نا حق, جس کا تمہیں کوئی حق نہیں تھا, وہ بھی ماں تم کم رہون, اور جو تم پکڑتے تھے ادخل رکھا ہو جہنم خالدین فیہا, داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے, فبئس مثوى المتکبرین, تو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. فصبر, تو صبر کر, ان وعد اللہ حقن, بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فیما نرینک بعض الذی نعیدہم, پھر اگر ہم تمہیں دکھلا دیں کوئی ٹریلر اس کا جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں, اور نہ تو فیلنا کا, یا ہم تجھے لے جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, فیلینا یو جاؤ, اور پھر ہماری طرف یہ لوٹائے جائیں گے. ولقد ارسلنا رسولا من قبلک, اور ہم نے تم سے پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے رسول بھیجے, منہم من قصصنا علیک, ان میں سے بعض کا قصہ ہم نے تمہیں سنا دیا ہے, یعنی بعض کے حالات تم سے ریلیٹ کر دیے ہیں. ومنہم من لم نقصص علیک, اور ان میں وہ بھی ہیں کہ جن کا ہم نے تم سے ذکر نہیں کیا. وما کان رسول ان یاتی بآیت الا باذن اللہ, اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کوئی نشانی لے کر آئے مگر اللہ کی اجازت سے. فیضہ جا امر اللہ قضی بالحق, اور جب اللہ کا حکم آئے گا ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا. وہ خسر ہنالک المبطلون, اور اس جگہ جھوٹے نقصان اٹھائیں گے. اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا ومنہا تاکلون, اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے تاکہ تم ان پر سوار و سوار ہو بعض پر, ومنہا تاکلون, اور کچھ کو تم کھاؤ. ولکم فیہا منافع, اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے ہیں. ولتبلغوا علیہا حاجتا فی صدورکم, اور اس لیے تاکہ تم ان پر سوار ہو کر یعنی اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکو, اپنی جو حاجت کی جگہ ہے, جو تمہارے دل میں مقصد ہے, ٹارگیٹ ہے, اس تک پہنچ سکو. وعلیہا وعلی الفلک, تم بلون اور تم جانوروں پر اور کشتیوں پر لادے جاتے ہو. ویریکم آیاتہ, اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. فأی آیات اللہ تنکرون, تو پھر اللہ کی کون سی آیات کو تم انکار کرو گے. افلم یسیروا فی الارض, تو کیا انہوں نے زمین میں گھوم کر نہیں دیکھا. فینظروا, کے دیکھتے, کیا یہ زمین میں نہیں گھومے. فینظروا, کے دیکھتے, کیف کان عاقبت الذین من قبلہم, کہ ان سے پہلوں پر کیا انجام ہوا. کانوا اکثر منہم, یہ وہ ان سے زیادہ تھے تعداد میں بھی. واشد قوتا, اور زیادہ پاورفل تھے ان کے مقابلے میں. وہ آثارا, اور اپنے نشان چھوڑنے میں زمین میں. فما ابنا عنہم ما کانوا یکسبون, تو ان کا کمایا ہوا ان کے کسی کام آیا, ان کسی کام نہیں آیا. فلما جاءتهم رسلهم بالبینات, پھر جب ان کے پاس آئے ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر. فرحوا بما عندهم, تو وہ اترانے لگے جو کچھ ان کے پاس تھا اس پہ من العلم, علم میں سے, نو ہاؤ میں سے. وحاق بهم ما کانوا یفترون, اور جس کا وہ مذاق کیا کرتے تھے اس نے آ کر بلاخر انہیں گھیر لیا. فلما رأوا بأسنا, جب انہوں نے ہمارے آفت کو دیکھا. قالوا, کہنے لگے, آمنا باللہ وحدہ, تو ہم ایک اکیلے اللہ پر ایمان لاتے ہیں. وکفرنا بما کنا بھی مشرکین, اور ہم انکار کرتے ہیں ان کا جن کو ہم شریک بناتے رہے ہیں. فلم یکن ینفعہم ایمانہم, تو پھر نہ کام آیا ان کا ایمان. لما رأوا بأسنا, جب انہوں نے ہماری آفت کو, ہمارے عذاب کو دیکھا, یعنی عذاب آنے سے پہلے توبہ جو ہے وہ قبول ہو سکتی ہے, ایمان ایکسیپٹیبل ہے, لیکن جب آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لیں تو پھر ایمان ایکسیپٹیبل نہیں. سنت اللہ التی قد خلق فی عبادہ, یہی اللہ کا طریقہ ہے جو اس کے بندوں کے معاملے میں چلا رہا ہے. وہ خسر ہنالک الکافرون, اور نقصان سے دوچار ہوئے اس جگہ انکار کرنے والے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, حامیم, تنزیل من الرحمن الرحیم, اتارا جانا ہے اس کا رحمان الرحیم کی طرف سے. کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربی لقوم یعلمون, کہ یہ کتاب ہے جس کی آیات جدا جدا کی گئی ہیں. قرآن عربی, یہ عربک ریڈر ہے, یہ قوم یعلمون, جاننے والے لوگوں کے لیے. بشیرا ونذیرا, خوشخبری سنانے والا, خبردار کرنے والا. فَآرَضَ عَنْهُمْ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ,
लेकिन अक्सरियत ने इससे मुंह फेरा, बस वो नहीं सुनते। वह कारू और कहते हैं गुरु मुनाफी अकेले से मिमा करूना ना इलाही, कि हमारे दिल गिलाफों में बंद हैं उस बात से जिसकी तरफ तुम हमें बुलाते हो, तो फिर आजाने ना बकरुन, और हमारे कानों में बोझ है, हमें बहिना व बहने का हिजाब, हमारे तुम्हारे दरमियान एक पर्दा है, फामर इंदना आमिरून, तो तू भी अमल कर हम भी अमल करते हैं। कुल इन्नमा अना बशरुन मिस्लुकुम, कह दो कि मैं तुम्ही जैसा एक बशर हूँ, यूहा इलैया, मुझ पर वही आती है, अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, कि तुम्हारा माबूद तो सिर्फ एक माबूद है, फस्तकीमू इलैही वस्तगफिरूहु, बस तुम डटे रहना उसी की तरफ और उसी से बख्शिश मांगना, वैलुल मुशरिकीन, और खराबी है मुशरिकों के लिए, अल्लज़ीन ला यूतून ज़कातन, जो ज़कात अदा नहीं करते, वह फिल आख़िरत हुम काफिरून, और आख़िरत का इनकार करते हैं। इन्नल्लज़ीन आमनू वअमिलुस सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लाते और अच्छे अमल करते हैं, लहुम अज्रुन गैरु ममनून, तो उनके लिए ना खत्म होने वाला अज्र है। कुल अइन्नकुम लतकफुरून बिल्लज़ी खलक़ल अर्ध फी यौमैन वतजअलून लहु अंदादा, तो उनसे कहो कि क्या तुम इनकार करते हो उस हस्ती का जिसने जमीन को दो दिनों में पैदा किया, और तुम मद्दे मुकाबले कर देते हो उसके, ज़ालिका रब्बुल आलमीन, वो तमाम जहानों का रब है, वजअला फीहा रवासिया मिन फौकिहा वबारका फीहा वकद्दरा फीहा फीहा अक़वाता फी अरबाति अय्यामिन, और फिर रखे उसमें उसने भारी पहाड़, और बरकत रखी उसके अंदर और ठहराई उसने अकवाता हाँ, उसकी खुराकें अरबात यामिन चार दिनों के अंदर, सवा अल्लिसाइली ये पूरा हुआ पूछने वालों के लिए, सुमस्तवाय समाई, फिर वो चढ़ा आसमान की तरफ, पर ये दुहान धुआं था, फकाल लहा बलिल अर्द किया कौवन और करा, और फिर उससे कहा कि उससे और जमीन से कहा, इतिया कौवन और करा, चले आओ खुशी से या जबरदस्ती, फालता तैना ताइनी, तो कहने लगे कि हम चले आते हैं खुशी से, फपदा होना समा समावादी थी और मैंने, फिर अल्लाह ताला ने उसको सात आसमान बना दिए दो दिनों में, वहुआ फिर सुखी कुल समाए नमरा, और फिर वही कर दिया हर आसमान को उसका फंक्शन, वजैर न समा दुनिया में मसा दिया व हिफ्जा, और हमने डेकोरेट कर दिया आसमान दुनिया को चिरागों से, और महफूज कर दिया, ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, और ये सारा अंदाज़ा है ज़बरदस्त जानने वाले का, फ़ैन आरदू, फिर अगर वो तवज्जो न करे, फ़कुल अंदरतुकुम सायक़तन मिस्ल सायक़त आदिम व समूद, तो फिर कह देना मैं तुम्हें खबरदार कर दिया है एक सख्त अजाब की, जैसे कि आया था अजाब कौम आद पर और कौम समूद पर, इस जाद हम मुर्रुसुल, जब उनके पास पैगंबर आए, मिन बैन अयदीहिम उनके आगे से, और मिन खल्फिहिम उनसे पीछे से, उनके पीछे से, अल्लाह ताबूदु इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा किसी को ना पूजो, कालू कहने लगे, लौ शा रब्बुना लांतला मलाइकतन, अगर अल्लाह चाहता तो फरिश्ते नाज़िल करता, फइन्ना बिमा उर्सिलतुम बिही काफिरून, लिहाजा जो कुछ तुम देकर भेजे गए हो उसका हम इनकार करते हैं। फअम्मा आद रहे आद फस्तकबरू फिल अर्दि बिग़ैरिल हक़, उन्होंने ना हक ज़मीन में तकब्बुर किया, वकालू और कहने लगे, मन अशद्दु मिन्ना क़ुव्वतन, कौन हमसे ज़्यादा ज़ोर आवर है, अवलम यराउ, क्या वो देखते न थे, अन्नल्लाह अल्लज़ी ख़लक़हुम, कि अल्लाह ही तो उन्हें पैदा किया, हुवा अशद्दु, वो अल्लाह जिसने उन्हें पैदा किया, हुवा अशद्दु मिन्हुम क़ुव्वतन, वो उनसे ज़्यादा ज़ोर आवर है, वकानू बि आयातिना यजहदून, और वो हमारी आयात का इनकार कर रहे थे। फ़अरसलना अलैहिम रीहन सरसरा, लिहाजा हमने उन पर एक तेज हवा भेज दी, फी अय्यामिन नहिसातिन मनहूस दिनों में, लिनुज़ीक़हुम अज़ाब अल-ख़िज़्य, ताकि हम उन्हें रुसवाई के अज़ाब का मज़ा चखाएं, फिर हयात दुनिया दुनियावी ज़िंदगी में, वला अज़ाब अल-आख़िरत अख़्ज़ा, और आख़िरत का अज़ाब इवन मोर रुसवा कुन है, वहुम ला युंसरून, और उन्हें कहीं से मदद न मिलेगी। वअम्मा समूद, और जहाँ तक समूद का ताल्लुक है, फ़हदैनाहुम, हमने उन्हें भी रास्ता दिखाया, फ़स्तहबुल अमा, लेकिन उन्हें अंधा रहना ऑप्ट किया, अगर हुदा हिदायत के मुकाबले में, राह देखने के मुकाबले में, फाखदतहुम सायक़तुल अज़ाब, तो उन्हें कड़क का अज़ाब ने आन, उन्हें कड़क के अज़ाब ने आन पकड़ा, फाखदतहुम सायक़तुल अज़ाब हूने,
तूने जिल्लत के अजाब की कड़क में आन पकड़ा, बिमा कानो यक्सिबून, उनकी कमाई की वजह से यानी उनके करतूतों की वजह से, और हमने ईमान वालों को बचा लिया और वो डरा करते थे अल्लाह से और बच बच के डरा करते थे। और जिस दिन जमा किए जाएंगे अल्लाह के दुश्मन इलनार जहन्नम पर, और उनकी बाकायदा ग्रोह बंदियां कर दी जाएंगी, हत्ता इज़ा मा जाऊहा, यहाँ तक कि जब वो उस पर पहुंचेंगे, शाहिद अलैहिम समूहुम व अफसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यअमलून, जब ये खतरनाक आयत है, यहाँ तक कि जब उस पर पहुंचेंगे और उनके कान और उनकी आंखें और उनकी जिल्दें उनके खिलाफ गवाही देंगी कि वो क्या किया करते थे। अब ये क्या सूरत होगी, कैसे गवाही देंगे, मे भी जैसे अदालत में होता है ना कि इस्तगासा जो है वो उस पर इल्जाम लगाता है और डिफेंडेंट जो है उसका इनकार करता है, और इस्तगासा कहते हैं जज साहब प्लीज अदालत के लिए ये सबूत हाजिर है, और फुटेज जो है वो दिखा देता है, उसमें साफ वो आदमी नजर आ रहा होता है कि इसी ने जुर्म किया है, तब पता नहीं, यानी वो वीडियो फिल्म जब चलेगी हम में से हर शख्स की और पता चलेगा कि वो कहां कहां अल्लाह की नाफरमानी करता रहा है, अल्लाह की दी हुई आंखों से अल्लाह ताला की कहां कहां बगावत करता रहा है, अल्लाह के दिए हुए हाथों से अल्लाह ताला की कहां कहां बगावत का सबूत देता रहा है, उसकी खिलाफवर्जी करता रहा है, अल्लाह के दिए हुए पांव से कहां कहां चल के जाता रहा है अल्लाह ताला की हुकूम की खिलाफवर्जी में, तो वो होगा बड़ा हसरतनाक मंजर, उसका नक्शा खींचा गया है। तो वो अपनी जिल्दों से कहेंगे हाय तुम हमारे खिलाफ तो गवाही दे रही हो, पालो जिल्दे कहेंगी यानी आजा कहेंगे अंतक अल्लाह अल्लज़ी अंतक कुल शय वहु खलकुकुम अव्वल मर्रतिन इलैहि तुर्जऊन, हमें उस हस्ती ने बोलना सिखा दिया है जिसने हर चीज को जबान दी है, हर चीज को बुलवाया है, और उसी ने तो तुम्हें पहली मरतबा पैदा किया था, इलैहि तुर्जऊन, और उसी की तरफ तुम लौटाए जा रहे हो। वमा कुंतुम तस्तदिलून अन यशहद अलैकुम समूहुकुम वला अबसारुकुम वला जुलूदुकुम वलाकिन ज़नन्तुम अन्नल्लाह ला यअलमु कसीरन मिम्मा तअमलून, और तुम पर्दा न करते थे, यानी एक आदमी जो गुनाह करता है तो वो दूसरे लोगों से छुप कर गुनाह करता था, यानी अज्यूमिंग बड़ा कुछ शिकायत है, वमा कुंतुम तस्तदिलून, और तुम पर्दा नहीं किया करते थे इस बात से कि आई यशहद अलैकुम समूहुकुम वला अबसारुकुम वला जुलूदुकुम, कि तुम्हारी कान और तुम्हारी आंखें और तुम्हारी जिल्दें तो तुम्हारे खिलाफ गवाही नहीं दे सकती, वलाकिन ज़नन्तुम, बल्कि तुम्हारा ख्याल था, अल्लाह ला यअलमु कसीरन मिम्मा तअमलून, कि अल्लाह ताला तुम्हारे अक्सर कामों से कामों को नहीं जानता, तुम्हारा गुमान था अल्लाह के अपने रब के बारे में जो तुमने गुमान किया था, अरदाको जिसने तुम्हें भारत किया, फासला तुमने उठा के ली, नतीजा तक तुम घाटे से दो चार हुए, सही यस्मिरु, और अगर ये सबर करेंगे, सन्नारो बसवल्ला हूं तो भी आगे का ठिकाना होगी, वही उस्तादे हो, और अगर ये माफियां मांगेंगे तमाम मिनल मुतबीन तो इनकी माफियां इनके तौबा ये कबूल नहीं होगी। वक़यदना लहुम कुराना, और हमने उनके पीछे लगाए थे साथ रहने वाले, फ़ज़यनु लहुम जो उनके लिए पुरकशिश बना रहे थे, मा बैना ईदीहिम जो कुछ उनके सामने था, वमा खल्फहुम जो पीछे था, वहक्का अलैहिमुल क़ौलु और ठीक हो गई उनके लिए अजाब की बात, फिर उम्मिन उन तमाम ग्रोहों में कब फलत में कबले इन जो इनसे पहले हो गुजरे बिना जिनके बड़े इनसे जिनों इंसानों में से इन नहुम कानु खासिरीन यकीनन को घाटे से जो चार होने वाले हैं। तो ऐसे स्टॉप कर रहे हैं, बस इसी को स्टॉप करें कि तीसरे बुक इंतजाम पर आयत नंबर 35 25 पर।
किसी पर इंशाल्लाह आपने नोटिस करना है कि वो बैटरी जो है वो रन आउट हो गई है, तो अकॉर्डिंग